हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इंडियन नेवी की तरफ से अग्निवीर एमआर एंड एसएसआर 02/2023 बैच का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि इन दोनों ही पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया की जरूरत रहने वाली है, इसके अलावा कब से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, इसका एग्जाम डेट क्या रहने वाला है एंड सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेज से आप सभी को गुजरना होगा। तो इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और जितने भी नए कैंडिडेट एग्जाम गुरु चैनल पर अभी जुड़े हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये रहा इंडियन नेवी एमआर का नोटिफिकेशन। सबसे पहले हम एमआर के बारे में देखेंगे, फिर इसका एसएसआर नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल्स देखेंगे। तो एमआर का यहाँ पर 02/2023 बैच का यह नोटिफिकेशन है। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों टोटल वैकेंसीज की। तो एमआर में टोटल आपकी 100 वैकेंसीज रहने वाली है, इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो। एक सेकंड रुक जाओ। चलिए, यहाँ पर आप देखो तो टोटल 100 वैकेंसीज इसमें आपको देखने को मिल रहा है, और इस 100 वैकेंसीज में टोटल फीमेल के लिए 20 वैकेंसीज अलॉट किया गया है। इसके बाद बात करते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर दोस्तों नेवी एमआर के लिए अप्लाई करने के लिए अगर आपने इंडिया के किसी भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से 10th क्लास पास कर रखा है किसी भी स्कूल से, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो जाओगे अप्लाई करने के लिए। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो आपका एज 1 नवंबर 2002 से लेकर 30 अप्रैल 2006 के बीच में होना चाहिए, और ये दोनों ही डेट इंक्लूसिव है, यानी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 नवंबर 2002 को होगा या फिर 30 अप्रैल 2006 को होगा, वे दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पर जितने भी अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट हैं, केवल वही एलिजिबल हैं। जब आपका एनरोलमेंट होगा तो उस समय आपको सर्टिफिकेट देना होगा अपने अनमैरिड होने का, अदरवाइज आपका फाइनल सिलेक्शन होने के बाद भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस की बात करें तो आप सभी को पता है कि अग्निवीर के तहत यह स्कीम निकाली गई है, तो इसमें जो आपका ड्यूरेशन ऑफ सर्विस है वो आपका 4 सालों का रहने वाला है। और इसका जो पे एंड अलाउंस है, इसके बारे में आप सभी लोग पहले से ही जानते होंगे, यहाँ पर आप डिटेल नोटिफिकेशन में देख लेना। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो क्या पैटर्न रहने वाला है। तो एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों सबसे पहले आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाया जाएगा। अब यहाँ पर आपके टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, और ये सारे के 50 क्वेश्चन साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस में डिवाइड किए हुए रहेंगे। क्वेश्चन आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन का जो लेवल है वो 10th क्लास का रहेगा, और 30 मिनट्स का इसके लिए टाइम दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर आपका 0.25 का निगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो उसके लिए आपके टोटल 1 नंबर डिडक्ट कर लिए जाएंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपका सेकेंड स्टेज की। तो फर्स्ट आपका रिटर्न एग्जामिनेशन है, इसके बाद आपका सेकेंड स्टेज में फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने वाला है, जिसमें अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल का यहां पर 1.6 किलोमीटर का रनिंग रहेगा 6.30 मिनट में, यानी कि 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर की दौड़ करनी है। इसके साथ ही दोस्तों आपको स्क्वैट्स लगाने हैं, यानी कि उठक बैठक टोटल 20 और पुशअप्स 12 लगाने होंगे। वही जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 1600 मीटर की दौड़ लगानी है 8 मिनट में, उन्हें टोटल 15 स्क्वैट्स लगाने होंगे, और उन्हें पुशअप्स नहीं लगना। इसके अलावा उन्हें वेंट नी सीटअप्स लगाने होंगे टोटल 10। यहाँ पर इन सभी प्रोसेस के लिए अलग अलग टाइम अलॉट किया जाएगा। आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है दोस्तों, वो आपका बनेगा रिटेन एग्जामिनेशन के आधार पर, यानी कि आपने जो सीबीटी एग्जाम में जो भी स्कोर किया है उसी के बेसिस पे आपका फाइनल लिस्ट यहाँ पर तैयार होने वाला है। बात करते हैं दोस्तों आपके एग्जामिनेशन वगैरह की। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपका टोटल 550 रुपीज़ पे करने होंगे, और इसके साथ साथ आपका 18% का GST भी लगने वाला है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो आपका GST और ये टोटल फी लगाकर लगभग 650 रुपये पे करने होंगे एक बार फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। एग्जाम डेट की मैं बात करूं तो आप सभी का एग्जामिनेशन जुलाई 2023 में होने वाला है। इसका एग्जैक्ट एग्जाम डेट अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके जो फाइनल लिस्ट है वो आपकी कब तैयार होगी, तो फाइनल लिस्ट के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो मेरिट लिस्ट है वो अक्टूबर 2023 तक फाइनल कर दिया जाएगा। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए जो डेट यहाँ पर रखा गया है दोस्तों, वो आपका रखा गया है 29 मई से लेकर 15 जून 2023 तक, यानी कि 29 मई को आप सभी के ऑनलाइन एप्लीकेशन के विंडो ओपन हो जाएंगे। उस दिन से आप सभी लोग अपने फॉर्म को फिल कर पाओगे। यहाँ पर फॉर्म को फिल करने के लिए जो आपको फोटोग्राफ अपलोड करने हैं ना, वो आपका अप्रैल 2023 से पहले का नहीं होना चाहिए, और फोटो आपको हाथ में स्लेट लेकर उस स्लेट पर अप
अपना नाम और डेट ऑफ फोटो क्लिक करके ही अपलोड करना है, अदरवाइज आप सभी का फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का भी आप लोग खास ध्यान रखना। सो गाइज, यहाँ पर डबल SSR के नोटिफिकेशन में केवल चेंजिंग इतना ही आपको देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है दोस्तों 10+2 एग्जाम विथ मैथ्स एंड फिजिक्स एट केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस फ्रॉम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यानी कि इंडिया के किसी भी स्कूल कॉलेज वगैरह से आपने 10+2 कर रखा है मैथ्स एंड फिजिक्स के साथ, एंड इसके अलावा केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट आपने ले रखा है, तब आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगी। टोटल वैकेंसीज इसमें 1365 है, जिसमें से 273 वैकेंसीज आपको फीमेल के लिए अलॉट किया गया है। यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँ एज की, तो 1 नवंबर 2002 से लेकर 30 अप्रैल 2006 का यहाँ पर एज रहने वाला है, और दोनों ही डेट इंक्लूसिव है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम है वो भी यहाँ पर जुलाई में ही होने वाला है, प्लस जो आपका फॉर्म को भरने का फ़ी है वो भी यहाँ पर 550 रुपये प्लस आपका 18% GST है। एग्ज़ाम पैटर्न की मैं बात कर लूँ तो इसमें आपको यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो आपका डबल SR का एग्ज़ाम पैटर्न है इसमें दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन होंगे, और आपके जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश साइंस मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस में डिवाइडेड होंगी। क्वेश्चन का लेवल यहाँ पर 10+2 का रहने वाला है। कहने का मतलब क्या है कि जो आपके साइंस और मैथमेटिक्स होंगे वो आपको 10+2 लेवल के देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस वगैरह जो आपके MR में आने वाले हैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस, और इंग्लिश के भी क्वेश्चंस आपको बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलेगा। सारे क्वेश्चंस आपके हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होंगे, और यहाँ पर भी दोस्तों आपको इस पूरे पेपर के लिए 1 घंटे का टाइम दिया जाने वाला है। साथ ही दोस्तों आपका 0.25 का निगेटिव मार्किंग इसमें भी रखा गया है। तो ये था दोस्तों आपका SSR के बारे में कंप्लीट डिटेल्स। इसके अलावा इसमें जो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट है ना वो भी बिल्कुल सिमिलर है आपका MR के जैसा ही। जैसे आप देखोगे मेल के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग है 6.5 मिनट में, फीमेल के लिए 8 मिनट में है। स्क्वैट्स यानी कि उठक बैठक लगाना है मेल को 20 एंड फीमेल को 15। पुशअप्स यहाँ पर मेल को 12 लगाने हैं, फीमेल को यहाँ पर 0 लगाने हैं। जबकि वेंट नी सीटअप्स मेल को 0 लगाने हैं जबकि फीमेल को यहाँ पर 10 लगाने हैं। इसका भी जो दोस्तों आपका फाइनल रिजल्ट है वो फाइनल मेरिट लिस्ट अक्टूबर 2023 में तैयार कर दिया जाएगा, और वहाँ पर आपको दोस्तों मेडिकल के लिए INS चिल्का पर भेजा जाता है। उसमें आप अगर फाइनल पास हो जाते हो तभी उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का डाउट रहता है मेडिकल को लेकर, तो देखिए जब यहाँ पर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा और किसी वजह से आपको यहाँ पर अनफिट पाया जाता है तो एक मौका दिया जाएगा आपको अपील करने का, और 21 दिन के अंदर आपको इंडियन नेवी की तरफ से एक मिलिट्री हॉस्पिटल अलॉट किया जाता है। उस हॉस्पिटल से अपना मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट बनवा कर लेकर आ गए तो यहाँ पर आपको मेडिकली फिट माना जाएगा, अदरवाइज आपको परमानेंटली वहाँ से अनफिट करके भेज दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को मेडिकल के भी डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या क्यूरीज है आप पूछना चाहते हो तो बेझिझक इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इसके अलावा दोस्तों आप सभी लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करोगे इस नोटिफिकेशन का, तो इस नोटिफिकेशन का PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरु से डाउनलोड कर लेना। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और अगर लिंक वर्क नहीं करे तो आपको जाकर टेलीग्राम में सर्च कर लेना है एग्जाम गुरु, और वहाँ पर आपको मेरा अकाउंट मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। लगभग 7 से 8 हज़ार के सब्सक्राइबर्स हैं, उसे ज्वाइन करके वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। सो गाइस, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोस देखो फ्यूचर में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।